दोस्तों हम सभी ने सोशल नेटवर्क्स पर या तो खुद कभी ना कभी या हमारे किसी दोस्त को एक ऐसी पोस्ट करते हुए जरूर देखा होगा जिसमें लिखा होता है #cool, #summer, #sunny, #day, #feeling ऐसे बहुत सारे। तो ये हैशटैग क्या है, कैसे काम करता है, इसको आपको कैसे काम में लाना चाहिए, इसका क्या यूज है, ये सारी बातें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि हैशटैग होता क्या है। तो देखिए, आप सभी ऑनलाइन जितने भी सोशल नेटवर्क्स होते हैं, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह वगैरह, आप सभी पर हैशटैग का यूज कर सकते हैं। हैशटैग के लिए आपको एक टैग बनाना होता है जिसके स्टार्टिंग में आएगा हैश और उसके आगे आप एक वर्ड, एक फ्रेज, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ये बनता है एक हैशटैग। इसमें आप नंबर्स का यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट तो है ही उसमें, लेकिन आप उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों जब भी आप पोस्ट कर रहे हो सोशल नेटवर्क्स पर, आप अपनी मर्जी से कुछ भी हैशटैग बना सकते हैं। अब दोस्तों ये जानते हैं कि हैशटैग को आप कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं और ये किस तरीके से काम आता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, इंडिया के महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी को लेकर जो कुछ भी हुआ, तो ऐसे में एक हैशटैग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है, जो है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। अब मान लीजिए कि आप उस पर्टिकुलर इशू से जुड़ा कुछ भी एक पोस्ट करना चाहते हैं अपने फेसबुक पर या ट्विटर पर, अगर आप उस हैशटैग का यूज करते हैं जो उस चीज से जुड़ा हुआ है, जो काफी लोग यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने ट्विटर पर कोई पोस्ट देखा, उसमें उस पर्सन ने इस इशू पर कुछ बातें कही थी और साथ में हैशटैग का भी यूज किया था, तो जैसे ही आप उस हैशटैग पर क्लिक करेंगे, आपको उस इशू से रिलेटेड सभी पोस्ट शो होंगी, आप देख पाएंगे कि इस मुद्दे पर किसने क्या कहा। तो ये बहुत ही इफेक्टिव वे है अपनी बात को कहने में। अब मैं आपको बताता हूँ कि हैशटैग का यूज कब नहीं करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को हैशटैग का सही यूज नहीं पता, वो जानते नहीं है उसको कैसे इफेक्टिव तरीके से यूज करना है, तो उन्होंने बस देखा और कोई हैशटैग यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो मान लीजिए वो लिखता है #i, #want, #a, #good, #car, वो 6-7 इतने शब्द हैं। अब #want जो है उसको अगर आप सर्च करोगे तो आपको रेफरेंस भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि want is no particular topic। तो इसी तरीके से अगर आप अपनी बात को कंसाइज वे में, एक छोटे में, इफेक्टिव हैशटैग के साथ में यूज करते हैं, तभी वो एक काम की चीज है, वरना आप ऐसे दिन भर हैश यूज करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद में आप जान गए होंगे हैशटैग के बारे में और इसे आप कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं इस बारे में भी। तो बस इतना ही है कि आप ऐसे हैशटैग का यूज ना करें जैसे #i, #want, #cool, #summer वगैरह वगैरह, क्योंकि ये चीज कोई सेंस नहीं देती। तो अगर आप फेसबुक पर या ट्विटर पर ट्वीट या पोस्ट करते हैं तो आप उस टॉपिक से जुड़े हुए हैशटैग यूज कर सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।